अरे यार ये तो सही कह रहे हो तुमने, 84 में भी हो गया, 2002 में भी हो गया, यही करने वाला है। हम सब उसके एक ये हैं, और आप देखिएगा ये जो प्रोसेस है उसमें ओपिनियन क्या है, जनमत क्या है, वो एक प्रोडक्ट जैसा बन गया है। एक इवेंट कंपनी आती है, वो पूरा बस स्टैंड से लेकर हर तरह से बधाई हो दिल्ली ये सब लिख देगी वो, और पूरा एक ओपिनियन को एक प्रोडक्ट के रूप में आपको देती है उस फॉर्म में। बहुत सारे एजेंसियां लग जाती हैं, हम लोग सब एंकर आ जाता है, कैन इंडिया अचीव दिस, और इस तरह के बड़े बड़े सवालों के साथ वो हम करने लगते हैं, और उसको उस ओपिनियन को एक कंज्यूम करने का है, जो 10 बजे रात के बाद कंज्यूम करने के बाद अगले दिन वॉकिंग में लोग कहते हैं ये प्रो गवर्नमेंट है, ये एंटी गवर्नमेंट है, ये तो इसका विरोधी है, ये उसका विरोधी है, फिर वो ओपिनियन चला जाता है। आप लोगों ने, मैं आने से पहले प्रोफेसर कुमार से कह रहा था कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म का क्या हाल हुआ है, तब इस डेवलपमेंट वर्ल्ड की ट्रेजेडी देखिए कि जिस वक्त हमारे पेशे में इसका ग्रोथ रेट रुका है, उसी वक्त ये पॉलिटिक्स के पेशे में सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है। विकास लाएंगे आपके लिए, डेवलपमेंट करेंगे, क्या है कोई नहीं जानता है। डेवलपमेंट के नाम पे कहते हैं आपके दरवाज़ा हटा के पीला वाला लगा देंगे, खिड़की लगा देंगे और एक ऐप लगा देंगे, जो बारिश आते ही वो ऐप सेंस करेगा और खिड़की खोल देगा, तो इसमें आपको उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिस्तर से, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, इसका ऐप बंद हो जाएगा। और ये जो 65% हो गए हैं, ये 35% वाले वही ऐप बनाने में लगे हुए हैं, उनकी एक ही है कि जो यंग एज है वो एक 65% एक बोरी है रखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 35 साल से कम के 65% रहते हैं, तो बोरी में हमारा युवा चला जा रहा है, उसका कोई वैरायटी नहीं है, उसे कोई पहचान नहीं है उसकी। एक आध ऐप बनाता है, अखबार में आ जाता है कि स्टार्टअप है। तो खैर हुआ क्या है कि हम विकास विकास हर चुनाव में देख रहा हूँ, पहले ये बिजली सड़क पानी के नाम से आया, फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से अभी चलने लगा है, पासवर्ड हो गया है चुनाव, ओपिनियन का पासवर्ड है, डालो डेवलपमेंट खटाखट आ जाता है, अच्छा यार हम इससे जीत सकते हैं और नहीं सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल ऐसा हुआ है कि जब भी चुनाव हो रहा है, और ये खासकर गुजरात के कारण है जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए, तो शुरुआती दौर में वो कुपोषण की बात करते हैं, फिर कहते हैं आपके यहाँ फार्मर का ये इंडेक्स है, ये फलाना इंडेक्स है, और ये थोड़ा मध्य प्रदेश में भी गया, ये थोड़ा बिहार में भी गया, जैसे इलेक्शन शुरू हुआ तो वो आया कि हाँ आपके यहाँ भी ये कुपोषण का ये स्तर है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उठाया, ये अच्छा साइन है। हालांकि ये अभी मेन स्टेज पे नहीं आया, लेकिन अच्छा साइन है। ये और बात है कि हमारे नेताओं ने कहा छोड़ो यार ये एनजीओ टाइप से है, उसको भेड़ बकरी पर शुरू करते हैं, और पूरा इलेक्शन भेड़ बकरी पर निकल गया, जैसे किसी ने खटाल बनाने तक का प्रॉमिस नहीं किया, पूरा चुनाव गाय पे निकल गया, बताइए। मतलब जिस गाय के लिए चुनाव हुआ कम से कम ये तो प्रॉमिस कर देते यार हम गौशाला बना देंगे, इतना तो कर देते हमारी गाय के लिए, किसी ने कोई वादा नहीं किया, उस गाय के नाम पे इतने तक झगड़ते रहे। तो खैर अब ये दूसरा चीज हुआ है जो शायद बताना जरूरी है, और आप जानते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर अलग से बात हो। एक निवेश सम्मेलन होने लगे हैं हमारे देश में, और ये राज्यों में होते हैं लेकिन कहलाते ग्लोबल है, ये दिल्ली में कभी नहीं होता, कभी ऐसा दिल्ली में मैंने सम्मेलन नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ वाला भी आ गया है, बिहार वाला भी आ गया है, यूपी वाला भी आ गया है, लेकिन सब अपने अपने कैपिटल में करते हैं, और उसको लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया है कि अगर एक आध एनआरआई होना चाहिए, पाठक जी कोई पटना से गए हों, वहाँ अचार का बिजनेस करते हों, वो उनका हिंदुस्तान अखबार में छपेगा कि हाउ पाठक मेड इट, पाठक जी भी अपना मोटे छोटे हैं, अपना शर्मा जी भी हैं टाई लगा के इंटरव्यू दे रहे हैं, इट वॉज अ वेरी टफ डे, दोज वर वी डिड नॉट हैव हेयर इलेक्ट्रिसिटी, नाउ आई कैन सी लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई थिंक बिहार कैन डू, बिहार कैन मैच ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक ये चल रहा है, ये फार्स है, ये इतना चल रहा है, तो सेलिब्रेट करना चाहिए इस फार्स का, है ये गिवन है और किसी तरह से प्रोसेस से बन गया है, तो इतना सैड होने की कोई जरूरत नहीं। और ये देखिए कि कितना इसमें खर्चा होता है, फिर इसमें ओपिनियन बनाया जाता है, क्या रिजल्ट निकला हम सब नहीं जानते, कहीं रिसर्जेंट है, कहीं वाइब्रेंट है, राइट दी ग्रोथ है, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश है, क्रेडिबल छत्तीसगढ़ है, यूपीए डबल डिजिट ग्रोथ,
ये तो फाइनली कर दिए। हर संस्थाएं दुनिया की रेटिंग एजेंसी कह रही हैं कि भाई 7 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कम होता है, लेकिन हमारे स्टेट के ग्रोथ रेट में कम का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। मैंने कभी नहीं सुना कि बिहार का, इस बार सुन रहे हैं कोई इंडिया की कोई रेटिंग एजेंसी जो कह रहे हैं कि बिहार का GDP इस बार 2% थोड़ा सा नीचे रहेगा। इंडिया का कम हो जा रहा है लेकिन स्टेट का डबल डिजिट है। ये एक इंडिपेंडेंट है, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। मुझे मालूम नहीं जेटली साहब जब कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ बढ़ रहा है तो उसमें ये स्टेट वाला शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो कर दे तो मुझे लगता है कि उनके पास भी पर्याप्त नंबर नहीं होगा कि कैसे हाउ टू एक्सप्रेस दीज नंबर्स। तो ट्रिलियन बोलो आजकल, अब इंडियन मासेस पे हम ट्रिलियन थोपते हैं, पहले खरब समझ में नहीं आता था, ट्रिलियन समझो भाई, मिलियन समझो। तो लोगों को लगता है कि ये भी कोई डॉलर है, हम लोग ही बोलते हैं डॉलर आ रहा है, 32 ट्रिलियन। अगर हम नहीं जानते 32 ट्रिलियन कितना होता है, बोरे में आता है कि कमरे में आता है, कहाँ होता है, आपको नहीं मालूम, लेकिन ट्रिलियन मिलियन चल रहा है। तो और हम कह रहे हैं हम अवेयर कर रहे हैं, लोग बहुत अवेयर हो गए, उनको ट्रिलियन पता है, उनको कह रहे हैं हम ट्रिलियन आ गए, 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो गई है। ट्रिलियन क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि कोर्स में अरब खरब हटा के ट्रिलियन इंट्रोड्यूस किया जाए, नहीं तो बड़ा अंडरस्टैंडिंग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम 25 अरब का योजना लाएंगे, वो कह रहे ट्रिलियन तो बोला नहीं अभी तक, ये ट्रिलियन वाला कब है, वो लगता है रवीश आएगा तभी बोलेगा ट्रिलियन है ना। तो ये एक फार्स जो चल रहा है तो उस पर हम सबकी नजर थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये शॉप विंडो जो बन गया ना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के, अब विकास होता है ये तो सवाल नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि होगा, बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं, होगा होगा होगा, जब निवेदन प्रतिवेदन में बदल जाएगा तो प्रेमिका क्या कहेगी, कहने के लिए हाँ कह देगी, चलो भाई ठीक है हटो यहाँ, गाना का सीन खत्म होना है, होगा होगा, हाँ होगा होगा होगा। नायक भी खुश हो गया कि चलो भाई प्रेमी, नायिका ने कह दिया है कि संगम होगा तो चलो खत्म, नाउ लेट्स मूव टू अदर सीन, जिसमें प्लेन क्रैश कर रहा है, दोनों बिछड़ जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये कई बार ये गरीबी हटाओ का जो डेवलपमेंट है उसका विंडो 10 है, और इसकी भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि ये हमेशा प्रतिशत से शुरू होता है। 90s में या 21वीं सदी के पहले हिस्से में ये कुछ प्रतिशत में शुरू हुआ कि हम 2030 तक या 2015 तक हम सुना करते थे कि हम 30% लोगों को ये कर देंगे, आजकल 100% का चला है, हर चीज 100% मिलने वाला, ये 2030 का तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे अगले इंक्रीमेंट से पहले ये 2030 आ जाए, ताकि मैं देखूं कि सर किसी को घर मिल गया है, सबके पास शौचालय है, सबकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है, मालूम नहीं, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन हम सबको ये जो देखना चाहिए कि ये जो सपना दिखा रहे हैं इसमें हमारी अपनी जगह क्या है, सपने की जगह तो है ही। मजदूर को कहा गया कि तुम मालिक बन सकते हो, मालिकों ने फिर मजदूरों को मैनेजर बनाया, अब कह रहे हैं कि मजदूर बनाएंगे, और न्यूनतम मजदूरी वाले अधिकतम मजदूर पैदा करने के लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं कि आपको तुरंत हटाया जा सकता है, रातों रात फैक्ट्री बंद हो सकती है, और इसकी तारीफ हो रही है। तो एक तरह से असुरक्षा हम उसके वातावरण में जीते जा रहे हैं, हम शायद बेहतर हों, मैं बेहतर हूँ, आप शायद बेहतर हैं, लेकिन आप इसी संस्थान से बाहर निकल के देखिए कि लोगों पर क्या गुजर रही है। 10 रुपये 15 रुपये गाँव तक में चले जाइए, आप सबको पता ही हो कि आप इस सेक्टर में से जुड़े हुए लोग हैं। ये है कि एक और जो मुझे पीड़ा होती है कि हम